हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस तरीके की एनिमेटेड लोडिंग बार बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से ब्लेंडर 2.8 में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक एड ऑन या फिर एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा ब्लेंडर में। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्लोन और डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा होगा तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर डाउनलोड जिप पर क्लिक कर दीजिए तो दोस्तों आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर ओपन फोल्डर पर आपको वहाँ पर अपने फोल्डर में चले जाना है जहाँ पर आपने इस फाइल को डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। अब दोस्तों क्योंकि ये जिप फाइल है तो हमें इसे अनजिप करना होगा, तो इसके लिए इस पर राइट क्लिक करिए और एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों अब एक और फोल्डर आ गया है, तो दोस्तों आपको इस पाथ को कॉपी कर लेना है, तो इसके लिए इस पर क्लिक करिए और कंट्रोल सी प्रेस कर दीजिए। अब आपको अपना ब्लेंडर ओपन करना है। अब दोस्तों हमें उसी फोल्डर में से उस एड ऑन को इसमें इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए एडिट पे जाइए, प्रेफरेंसेस पे जाइए और यहाँ पर एड ऑन्स का ऑप्शन मिलेगा तो उस पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा होगा तो उस पर क्लिक करिए और यहाँ पर कंट्रोल वी से उस पाथ को पेस्ट कर दीजिए। अब एंटर प्रेस करिए। अब दोस्तों इस फोल्डर पर क्लिक करना है। अब दोस्तों इसकी ये PY फाइल है तो उस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं टेक्स्ट काउंटर का ये एड ऑन इसमें आ गया है। अब दोस्तों आपको इसे इनेबल करना है तो इसके लिए इस पर टिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको सेव प्रेफरेंसेस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब हमें ब्लेंडर 2.8 में लोडिंग बार को मॉडलिंग करना है और फिर एनिमेटिंग करना है। तो दोस्तों अब इस क्यूब को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आपको यहाँ पर एडिट मोड में जाना है और फिर यहाँ से आप फेस को सिलेक्ट कर लीजिए और आपको राइट के फेस को सिलेक्ट कर लेना है। अब जी प्रेस करिए, देन वाई प्रेस करिए और इसको छोटा कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप ट्राइंगल का ऑप्शन देख रहे होंगे तो उस पर आपको क्लिक करना है और फिर ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है। अब यहाँ से आपको शेप कीज़ में प्लस करना है, एक बार और करिए तो यहाँ पर आप की वन देख सकते हैं। तो अब आपको एडिट मोड में जाना है और अब जी प्रेस करिए, देन वाई प्रेस करिए और इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अब ऑब्जेक्ट मोड में आ जाइए। अब दोस्तों जो एनिमेशन है वो वैल्यू में स्टोर हो गई है, तो आप जैसे ही वैल्यू को इनक्रीज़ करेंगे तो ये भी इनक्रीज़ होगा और जैसे ही वैल्यू को आप डिक्रीज़ करेंगे तो ये भी डिक्रीज़ होगा। तो अब दोस्तों हमें टेक्स्ट की एनिमेशन भी करना है तो उसके लिए शिफ्ट ए प्रेस करिए, देन टेक्स्ट को ऐड कर लीजिए। अब आर प्रेस करिए इसको रोटेट करने के लिए, देन एक्स प्रेस करिए, देन 90, देन आर प्रेस करिए, देन जेड, देन 90 और फिर जी प्रेस करिए, देन एक्स और इसको एक्स एक्सिस पर ग्रैब करिए। और अब दोस्तों यहाँ पर आपको ज्योमेट्री में एक्सट्रूड की वैल्यू 0.05 कर देनी है। और अब और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने जो एड ऑन को इस ब्लेंडर में इंस्टॉल किया था उसका ऑप्शन मिल जाएगा, तो लियोमून टेक्स्ट काउंटर पर आपको टिक कर देना है। तो अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर नंबर आ गया है, तो अब हमें नंबर्स को एनिमेट करना है तो इसके लिए 20 फ्रेम पर आ जाइए और यहाँ पर आप अपना कर्सर ले आइए काउंटर पर और आई प्रेस करिए, देन फ्रेम नंबर 120 पर आ जाइए और आप जैसे काउंटर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये नंबर्स भी बढ़ेंगे, तो काउंटर की अब वैल्यू को आपको 100 कर देना है और यहाँ पर इसके ऊपर कर्सर ले आइए और आई प्रेस करिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सुफिक्स का ऑप्शन मिल रहा होगा तो यहाँ पर आपको परसेंट टाइप कर देना है अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पर आप नंबर्स के आगे आप परसेंट को देख सकते हैं। तो अब दोस्तों प्ले करके देख लेते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि नंबर्स यहाँ पर अच्छे से बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे की जो लोडिंग बार है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो इसके लिए इस लोडिंग बार को सिलेक्ट करिए, और जैसे हमने इसमें की फ्रेम की थी जैसे 20 और 120 पर, तो वैसे ही हमें इस लोडिंग बार पर भी की फ्रेम करनी है। तो इसके लिए 20 पर आ जाइए और इस लोडिंग बार की जो वैल्यू है वो 0 ही रहने दीजिए। तो इसके लिए इस पर कर्सर ले आइए और आई प्रेस करिए, देन फ्रेम नंबर 120 पर आ जाइए और इसकी वैल्यू को फुल कर दीजिए और अब आई प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आप प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों इन दोनों की एनिमेशन को साथ में बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए हम थोड़ा ग्राफ एडिटर की मदद लेंगे। तो इसके लिए ग्राफ एडिटर में आ जाइए और इस लोडिंग बार को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आ जाइए और टी प्रेस करिए और लीनियर पर क्लिक कर दीजिए। और अब इस नंबर को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आ जाइए और टी प्रेस करिए और लीनियर पर क्लिक कर दीजिए। पहले प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों लोडिंग बार को फुल हो जाने के बाद उसको सिलेक्ट करिए और शिफ्ट डी प्रेस करिए और इसको डुप्लीकेट कर लीजिए। अब यहाँ से आपको जो शेप कीज थी वो आपको माइनस करके इसको डिलीट कर देना है। और अब दोस्तों आप एडिट मोड में जाइए और जी प्रेस करिए, देन वाई प्रेस करिए और इसको इस तरह से इंक्रीज कर दीजिए। अब आपको इस सामने का फेस को सिलेक्ट करना है, देन एक्स प्रेस करिए, देन फेस को डिलीट कर दीजिए और आपको ये पीछे का फेस भी एक्स प्रेस करिए, देन डिलीट कर दीजिए। अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपकी लोडिंग बार दिखेगी। अब दोस्तों कैमरा की भी सेटिंग कर लेते हैं, उसे बिल्कुल सामने कर देते हैं। तो इसके लिए कैमरा को सिलेक्ट करिए, देन ज़ीरो प्रेस करिए तो आप कैमरा में आ जाएंगे और एन प्रेस करिए, देन व्यू पर जाइए और लॉक कैमरा टू व्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब अपने कैमरा को अच्छे से सेट कर लीजिए। अब दोस्तों कैमरा को सेट करने के बाद आपको पहली की फ्रेम पर आ जाना है और इस वाले आपको क्यूबॉइड को सिलेक्ट करना है और एडिट मोड में जाना है और इस फेस को सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा रोटेट कर देना है ताकि ये पतला दिखे। तो इसके लिए इस फेस को सिलेक्ट करिए, देन आर प्रेस करिए, देन एक बार और आर प्रेस करिए और इसको इस तरह से पतला कर लीजिए। अब दोस्तों प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो इसके लिए इस फेस को सिलेक्ट करिए, देन जी प्रेस करिए, देन वाई प्रेस करिए और इसको बिल्कुल इससे चिपका लीजिए। तो दोस्तों हमारी एनिमेशन बिल्कुल परफेक्टली बन गई है। अब यहाँ पर रेंडर्ड व्यू में जाइए और अब हमें इसे कलर देना है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर को आप ब्लैक कर लीजिए और अब इसको सेलेक्ट करिए और इसको भी एक कलर दे देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस सरफेस को आपको एमिशन कर लेना है और इसकी स्ट्रेंथ आप 3 कर दीजिए और कलर आप जो चाहें वो कर लीजिए, मैं वाइट ही कर रहा हूँ। अब इस नंबर को सिलेक्ट करिए और इसे बिल्कुल सामने ले आइए, तो जी प्रेस करिए, देन इसे सामने इस तरह से ले आइए और इसको भी एक कलर दे देते हैं। तो इसको भी आपको सरफेस में एमिशन कर लेना है, तो यहाँ पर सरफेस में आपको इसको एमिशन कर लेना है और इसका कलर मैं ग्रीन कर लेता हूँ और इसकी स्ट्रेंथ 3 कर दीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो दोस्तों प्ले करके देख लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से आपकी एनिमेशन दिखेगी, लेकिन हम साइकिल्स इंजन में इसको रेंडर करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपकी एनिमेशन बन जाएगी। अब हमें आउटपुट सेटिंग कर लेनी है, तो यहाँ पर आउटपुट टैब में आइए और आउटपुट को आपको डेस्कटॉप कर लेना है ताकि आपकी फ़ाइल डेस्कटॉप पर रेंडर हो। अब यहाँ पर फाइल फॉर्मेट में आपको FMPEG कर लेना है ताकि वीडियो फॉर्मेट में अच्छे से रेंडर हो जाए। अब यहाँ पर आपको फ्रेम्स सिलेक्ट कर लेनी है कि कहाँ से आपका वीडियो शुरू होगा और कहाँ से ख़त्म होगा। स्टार्ट का जो है वो 15 कर दीजिए और यहाँ पर एंड कर दीजिए 125, और उसके बाद आपको यहाँ पर रेंडर पर आना है और रेंडर एनिमेशन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो एनिमेशन है वो रेंडरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप इस एनिमेशन वीडियो को बना सकते हैं बिल्कुल आसान। और अगर आप ब्लेंडर एनिमेशन हिंदी में सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरे अगले वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।